वेलकम टू माय चैनल टीसीएस कुकिंग डायरीज। आज आपको बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी, कद्दू की खीर की रेसिपी है। जिसमें मैं कद्दू लिया है, मैंने ये 500 ग्राम कद्दू जो मैंने छील लिया था उस तरह से इसके टुकड़े कर लिए। कद्दू का ध्यान रखें, खीर बनाएं तो वो पका हुआ कद्दू होना चाहिए। पके हुए कद्दू की पहचान ये है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा पीला होता है और ऊपर से भी पीला पीला दिखता है। अब उसको मैंने काट लिया है। अब क्या करना है, एक भगोना लिया है मैंने, अभी कद्दू जो है उसमें डाल देंगे। इसको ऑन कर देंगे, उसमें डाल देंगे आधा कप के करीब दूध। दूध आधा लीटर दूध लिया है, पूरा दूध नहीं डालना है इसमें, सिर्फ आधे से आधा डालना है। इतना डालना है कि जो अपना कद्दू है गल जाए। अब इसको मैं रख दूंगी 15 मिनट के लिए सिम आंच पर, ताकि जो कद्दू है वो गल जाए। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं कद्दू गला है कि नहीं गला है। देखिए उसको देखते हैं, कद्दू जो है बहुत जल्दी गल जाता है, ये अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। उसको इसी तरह से इस चम्मच से मैश कर देंगे यहीं कद्दू को। फिर आप चाहें तो आप पोटैटो मैशर हो मैशर, उससे आप कर सकते हैं इसको। मैं तो इसी चम्मच से कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल गया है कद्दू, तो मैश जल्दी हो जाएगा। देखिए कद्दू जो है हमारा बहुत अच्छे से मैश हो गया है। क्या कर रहे हैं, जो दूध था हमारा बचा हुआ वो डाल देंगे, भलाई से हम डालेंगे। इसके साथ इसमें डाल देंगे शक्कर, ये मैंने आधा कप शक्कर लिए। कम मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। इससे क्या है, नॉर्मल ही रहेगी शक्कर, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। फिर इसे मिक्स करेंगे। दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है, अच्छे से पक गई है हमारी खीर। अब मेरे पास ये मावा था, आधा कटोरी वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं आप, मावे से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर आधे से आधा चम्मच है, थोड़े से मतलब ड्राई फ्रूट है पिस्ता बादाम वो डाल देंगे। कद्दू की खीर जो है हमारी रेडी है, आप भी ट्राई करिए इसको। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।